पंजाब अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद लगातार जोड़े विकास कार्य जोड़े हलका विधायक ने उन्होंने नेपरे चाड़े जाने लगातार अधिकारियों हदायत की जा रही ने ते किसी भी तरह दी करप्शन है या होर तरह के वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज साडे नाल हलका गुरुवार साहब तो विधायक फौजा सिंह सरारी जी मौजूद ने, उन्होंने गलबात करके जान लेने कि जेड़े आने वाला सीजन है कणक का उसनों लैके किस तरह के प्रबंध उन्होंने वालों किए गए हैं या हल्के अंदर किस तरह की गतिविधियां या विकास कार्य करवाए हैं। सर पहला स्वागत है जी, सच जी तुहाडा भी धन्यवाद। सर हल्के अंदर किस तरह के जेड़े विकास कार्य तुहाडे वल्लों नेपरे चाड़े जा रहे हैं? ये उह सारे नेपरे चाड़े जा रहे जेड़े आम आदमी पार्टी ने लोगों नाल वादे किए सी कि भ्रिष्टाचार मुक्त राज आएगा, उस नूं मुख रखदे अज मंडीकरण के अधिकारी सी, कुछ खरीद एजेंसियां दे सी, उन्हां सारयां नूं हदायतां कीतियां जां जिस तरह उन्होंने बारदाने की कमी आड़ती भाईचारे ने जो भी कुछ किया वो सारिया सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटियां उन्होंने बेनती की कि निर्विघन चलाउणगे। किसी ने कोई जिहा कर्म नहीं करना जिहड़े पिछे चलता सी कि गिल्ली कण खरीद लो जी रुपया बोरी, कोई आड़तिया लैंदा सी, कोई कर्मचारी लै जांदे सी, उह सारा धंधा बंद करा दिता जी। बिल्कुल वधिया ते ईमानदारी नाल काम करनगे, सारे विश्वास दवाया उन्होंने। सर दाणा मंडी वाले कणक की आमद तो शुरू हो चुकी पर खरीद कितनी तरीक तो शुरू होने जा रही? आमद जिस तरह जे नहीं आई क्योंकि सारे किसान भाईचारे नूं बेनती है तुहाडे माध्यम के जरिए कि सुक्की कणक लैके आउण, किसी खरीद एजेंसी नूं कोई समस्या ना आवे। जदों अनाज गिला आउंदा तां उहनूं स्टोर करना वाजिब नहीं, जे स्टोर कर भी लैने तो खराब हो जाता, इस करके लोक धन की बर्बादी हुंदी है। सारे किसान भाईचारे कह बेनती की जाती है कि कणक सुक्की लैके आउण, भावें चार दिन लेट लैके आउण, ना ही कोई खजल खुआरी होगी। तो एजेंसियों वाले ने भी यही गल कही कि असी सुक्का अनाज खरीदांगे तो दो चार दिन भावें लेट भी हो गया तो सुक्की कणक खरीदी जाएगी। सर आने वाले दिनों कोई होर प्रोग्राम लिखे गए जिन्होंने सरकार के थ्रू नेपरे चढ़े? सारे तो पहला तो जिस तरह तुम्हें पहले दसा कि बुनियादी लोड़ा तो हूँ ज़्यादा मसला जिस तरह अनाज में भंडार करना है, उस तो अगे जिहड़े भी वादे किए गए सारे तो पहला कि जदों भी कोई स्टेट अगे तरक्की करता जां अगे चलता तो उन्हों प्रावधान जिहड़े स्रोत होंगे आमदनी के साधन वो पैसा किवें आना उस पासे ध्यान एकाग्र है। मुख्यमंत्री साहब भी तुहानूं सारयां नूं पता है कि दिल्ली गए सी, कुछ पैसे की लोड़ है तो जिहड़ा इस तों पहला 20-25 सालां तों जिहड़े भ्रिष्ट राजनीतिक लोक वो मिली भुगत नाल जिहड़ा स्टेट का नुकसान होया वह पूर्ति हुण हौली हौली होनी है। जिहड़े लोग ने वो तुरंत जिवें आपां कहिंदे तली ते सरों जमाना चाहुंदे आ, पर उहनां सारयां नूं बेनती करदे आ कि सहज पक्के सो मीठा होए, सबर का फल मिठा हुंदा, ते सारा काम जिन्ना भी काम करांगे सही करांगे, गलत वाले पासे तां जाणा नहीं ते ना किसे नूं जाण देणा। बीते दिन सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हुंदी नशे नूं लैके, किवें देखदे हो उस तरह नूं? हाँ वो जिहड़ी गलत कीती बयानबाजी नहीं चाहीदी सी। मैं तां लोगों ने वोटा भी इसे करके पाइया सी ईमानदारी नूं, ते जदों तो सरकार बनी है उदों तो लैके पुलिस प्रशासन पुलिस अधिकारियों नूं सख्त चेतावनी भी दित्ती गई कि जिहदे एरिए नशा विकेगा खुद जिम्मेवार होएगा, सख्ती नाल भी जिहड़े सख्त अल्फाज भी वरते गए, पर वह वीडियो पाउण वाले की पता नहीं की मानसिकता सी ते जां वह किसी ने इस पासे कुछ शरारती अंसर जिवें मैं उद्यमी शब्द वरत्या सी, कुछ गंदे लोगों की मनोविरती जिही हुंदी है कि जातिवाद पैदा करना, लड़ाइया झगड़े कराने, पर मेरी जिही कोई मंशा नहीं है। मैं तो कहना कि जिहड़ा कोई करदा आपे भरेगा, अगर के कानून के दायरे में किसी ने जुर्म किया तो भागी होगा। मेरी कोई मंशा नहीं इस तरह की कि मैं किसी को नीवा दिखाउण खातर, मैं तो सच के मार्ग से चलता हाँ तो मैं उही करता रहांगा। वो वैसे मैनू भैड़ी गल लगी कि उन्हें नहीं चाहिए सी किसी एक जाति का नाँ लैके टारगेट करना। जे हुण नशियां दे सौदागरों की गल करिए की मजीठिया राय सिख है, की भोला पहलवान राय सिख है, तो गलत किया। एक राय सिख नूं वारी वारी उचारना रा रा कह के तोहीन कीती है, माड़ी गल है। ते बाकी जिस तरह का अगे राय सिख बरादरी के कुछ आगू साहबान बुरा तो मैनू भी लग्या, बुरा उन्होंने भी लग्या, तो कानूनी प्रक्रिया अगे जिवें भी होगी देखा जाऊगा। सर नशे के सौदागरों की तुसीं गल कीती जांदी कि आने वाले दिनों च कोई कार्रवाई होगी जिहड़े नशा वेचते ने इत्थे? नशा वेचण वालियां ते कार्रवाई होगी ते नशा खाण वालियां वास्ते हस्पतालां दे विच उन्हां नूं लिया के उन्हां दा इलाज कराया जाएगा। पर नशा वेचण वालियां दा कोई जात धर्म नहीं हुंदा, उन्होंने तो समाज की बर्बादी करनी, अपने घर भरने, उन्होंने पैसे तक सीमित हुंदा, उन्होंने किसी की जिंदगी जवानी नाल नहीं हुंदा। जिहड़े लोग वेचदे आप क्यों नहीं खांदे, अगे वेचदे ने। उसी तरह जिस तरह मजीठिया तुहानूं सारयां नूं पता है कि वह नशियां दा सौदागर भी कहा जांदा सी, हालांकि वह
आपो अपने करमी करनी का फल है जिन्होंने किया आपे भर रहे हैं। तो माड़ी गल है नशे वाला जो सिस्टम है ये नौजवानी बर्बाद हो रही है। हाँ कालिया पेड़ा की बिल्कुल सच्चाई है। मैं एस एस पी साहब फिरोजपुर को बेनती की है कि जेडे परमानेंट एक थाने लगातार रेंदे ना वो अपने सैल बना लेंगे, जो सैल बना लेंगे तो फिर उन्होंने जेडे नशे वाले वेचण वूचण वाले संबंध पैदा हो जाते हैं। एक कड़ी तोड़न वास्ते ये बदलने पैणगे तो फिर उन्होंने जेडे चहेते ना रखे होंगे वो एक थाने दूजे थाने दूजे तो तीजे जिथे जिथे उन्होंने सूत आता नाल ही रेंदे वो कड़ी भी तोड़नी बनती है क्योंकि उन्होंने लोगों के संबंध अगे बने होंगे है। बदनाम एस एच ओ होंगे उसकी मार्फत कह लो जो निगरानी हेठ जे पक्के रखे होंगे नाल वो सारी कड़ी तोड़नी पैनी। मैं एस एस पी साहब को बेनती कर चुके। हाँ जी ये जेडे नहीं काम कर रहे क्योंकि आदत बिगड़ जा जो आदत बिगड़ जा तो फिर हल तो यही है कि जे बंदा नहीं सही काम कर रहा तो उतों बदले जा चंगे तो ईमानदार लाए जा जे नशा विरोधी हो जे खुद ही नशेड़ी ने कई मैं ना नहीं लैना इतने खुद भी नशा खाते तो वो जे जो इस तरह लगन गए तो वह थाने वधिया ढंग नाल नहीं चला जो खुद नशेड़ी वो थाना किवें चलाएगा। बिल्कुल जी ये सन हलका गुरुवर साहब तो विधायक फौजो सिंह सरारी जिन्ह का कहना है कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई कोई मर्जी हो कहीं मर्जी पहुँच लगता हो। कैमरामैन के नाल मैं विजय हांडा सचखंड न्यूज़ गुरुवर साहब। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।